Asa ne kadar bile varası. Assalamualaikum, welcome to my channel. आज मैं बताने जा रही हूँ देसी मुर्गे का सूप. देसी मुर्गे का सूप बनाने में भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा वक्त इसको टाइम लगता. ये देसी मुर्गे जो हम बॉयलर मुर्गे लेते हैं वो जल्दी गल जाती है, इसको गलने के लिए टाइम लगता, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. आजकल जो बुखार आ रहा, जो फीवर आ रहा, उसमें वीकनेस बहुत हो रही, उस वीकनेस को दूर करने के लिए ये इम्यूनिटी का बूस्टर का काम करता. इसको ज़रूर बनाइए और ज़रूर ऐसे वक्त जब हम वीकनेस महसूस करते बुखार से, जब इसका इस्तेमाल करिए बुखार जाने के बाद. ये करीब 400 ग्राम है और इसको खाल के साथ ही कट कर लेते. जो बॉयलर मुर्गे रहते उसको खाल निकाल लेते, इसका खाल के साथ ही करते. तो इसको जलाते, इसमें थोड़ी स्मेल रहती जलने की, तो इसको आटे गेहूँ के आटे से मसलते हुए 2-3 पानी से मैं इसको धो लिए और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे और 1 टीस्पून नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची साबित, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन, 2-3 लहसुन की कलियाँ. अगर अदरक की भी टुकड़ा है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं और थोड़ी सी कोथमीर पुदीना. अब इसको तेज़ फ्लेम पे रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे. इसको गलने टाइम लगता, करीब करीब 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी डाली. क्यों बोलते, इसको अच्छे से बॉईल करना पड़ता, गलती है और इसका सारा जूस सूप में आ जाता. अब इसको क्या करेंगे, हम तेज़ फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे. इतना तेज़ फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि इसका पानी आधा हो जाना. जब इसका पानी आधा होने हो गया तो फिर आधे पानी को धीमे में पकाएंगे. करीब करीब इसको आधा घंटा, आधे से पौने घंटा तो लगेगा. पानी आधा होने तक तेज फ्लेम पर पकाएंगे और आधा पानी होने के बाद धीमे पे पकाएंगे. पानी सारा सूख गया, मैं आधा पानी सूखने तक तेज पे और आधा पानी सूखने तक धीमे पे इसको पका लूँ. सारा पानी सूख गया और माशाल्लाह चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया. चाहे तो आप इसको सेम तरीके से कुकर में भी बना सकते हैं. सारा चिकन अच्छे से गलना और इसका जूस अच्छे से छूटना. इसमें मैं और 2 गिलास पानी डाले, इसको तो थोड़ी देर इसको तेज फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे. 5-10 मिनट में इसको तेज़ फ्लेम पे पका ली. अब इसमें 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ और थोड़ी सी कोथमीर पुदीना. 1-2-3 मिनट इसको तेज़ फ्लेम पे पका लेंगे. कोथमीर पुदीना और हरी मिर्ची डालने के बाद तेज़ फ्लेम पे 4-5 मिनट इसको पका ली. अब इसको फ्लेम को बंद करके निकाल लेंगे. एक पैन रख दी, इसमें डाली 1 टेबल स्पून ऑयल और प्याज के 2-3 स्लाइसेस डालेंगे, ज़्यादा नहीं. चाहे तो आप घी से भी बगा सकते हैं. प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन. अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन होना, गोल्डन ब्राउन होने हुए तक अदरक लहसुन इसको फ्राई कर लेंगे. प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन होना, अदरक लहसुन हो गया फ्राई, फ्लेम को बंद कर देंगे. माशाल्लाह बगाने से बहुत सोंधापन आता. बिल्कुल नेचुरल सूप है ये, इम्यूनिटी बूस्टर भी इसको बोल सकते हैं आप. जब बुखार से वीकनेस हो जाती है, या बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए और जो लेडीज़ न्यू मदर्स रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. बिल्कुल नेचुरल, इसमें कोई सॉस कोई चीज़ ऐड नहीं है. आसानी के साथ बनने वाला सूप, हेल्थी टेस्टी और हेल्थी है, बिल्कुल नेचुरल है, ज़रूर बनाइए. चलिए मेरी चिकन सूप की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है. आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.